अखिलेश यादव ने कहा कि इन झूठे लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कहा किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो ना ही खाद मिला है ना फसल खरीद का इंतजाम हुआ, कहा नौजवानों को 70 लाख नौकरियों का वादा भी अधूरा है, गर्मी निकालने वाले को पता नहीं कि बाराबंकी में वोट पड़ना बाकी है। अखिलेश यादव ने कहा पहले दूसरे चरण के बाद भाजपा कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सुन्न हो गए हैं, चौथे चरण के मतदान के बाद शून्य हो जाएंगे, इनके बूथ पर भूत नाचे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा, कहा विकास के नाम पर जगहों का नाम बदलने वालों का खुद बदल गया नाम। अखिलेश ने कहा बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर मेंटेनेंस पर चले गए क्योंकि वो जान गए हैं कि सरकार उनकी बनने वाली नहीं। अखिलेश यादव ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, कहा भाजपा सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कहा गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर दी गई। अखिलेश ने कहा कि सरकार से बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि बिल आता है तो करंट लगता है, कहा हमारी सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं के 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली होगी, कहा हमारी फ्री बिजली की घोषणा से इनके कई नेताओं के ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि तीन काले कानून लाए गए थे तो यूपी पंजाब के किसान लड़ाई लड़ते रहे, 700 किसान शहीद हो गए, सरकार चुनाव आते ही उन्हें काले कानून वापस लेना पड़ा। अखिलेश ने भी कहा कि प्रत्याशी कान पकड़कर भी 700 बार उठक बैठक लगाएं तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करने वाला। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि हमने ABCD AA EE बचपन में ही पढ़ ली थी, कहा काका गए तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि काका मतलब काले कानून। अखिलेश ने कहा कि BA TET और सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं, कहा हम 11 लाख खाली पदों पर नौजवानों को रोजगार देंगे। सीएम के गर्मी वाले बयान पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबों के लिए एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी कर देंगे, कहा कि 100 का 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कुछ डबल हुआ है तो वो है महंगाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा आई तो हम यूपी में गरीबों को राशन के साथ साथ घी और तेल भी देंगे, कहा महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन 500 से बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीछे से साइकिल अपने आप आगे आ गई है, कहा कि बाराबंकी की सभी 6 सीटों पर जनता ऐसा छक्का लगाएगी कि सपा 6 की 6 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ से बाराबंकी तक मेट्रो लाने का काम करेंगे, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे, कहा जमाना बदल चुका है, मोबाइल लैपटॉप देंगे, 22 लाख नौजवानों को आई सेक्टर में नौकरी भी देंगे।